मेरे रब हुजूर में गम तुझे जब कभी पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मध्य प्रदेश से एक साहब ने सवाल किया है, कहते हैं कि हमारे यहाँ एक मस्जिद थी, अफराद के बढ़ जाने की वजह से मस्जिद नाकाफी पड़ने लगी। एक साहब ने मस्जिद से मिलती ज़मीन, जो मिली हुई ज़मीन थी और उनकी मिल्कियत में थी, वो मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, मस्जिद को दे दी कि मस्जिद की तोसी ज़मीन में कर ली जाए। उनका इंतकाल हो गया, अब मस्जिद की तोसी की जा रही है तो उनके वारिसान इस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं कि जिस जगह को हमारे मूरिस ने मस्जिद के लिए दिया है उसमें लेट बाथ वगैरह ना बनाए जाएं। अब वहाँ पर झगड़ा पड़ा हुआ है, तो पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर इस जगह में जो उन्होंने दी है लेट बाथ ना बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दायरे पहले से मस्जिद है, उसमें पेशाब घर वगैरह की ज़रूरत पहले से पूरी हो रही होगी, तो मज़ीद उसमें बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आती, तो क्यों बनाए आप उसमें, मत बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मस्जिद की तोसी हो रही है और लेट बाथ के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास, और उस जगह में जो उन्होंने दी है मस्जिद की तोसी के लिए थोड़ी जगह घेर कर उसमें पेशाब घर वगैरह बनाया जा रहा है, तो वारिसान को उस पर झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। दो बातें, पहली बात तो ये है कि जब ज़मीन उनके मूरिस ने मस्जिद को दे दी, वक्फ कर दी, तो अब वो उसके मालिक नहीं रहे, लिहाजा वो ज़बरदस्ती उसमें टांग ना अड़ाएं। उनके वालिद ने या उनके रिश्तेदार ने जो ज़मीन दी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ, वो कबूल हो गई, मस्जिद के लिए दी थी मस्जिद के लिए कबूल हो गई, नमाज़ पढ़ने के लिए दी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये ज़मीन मस्जिद और नमाज के लिए कबूल कर ली, अब ज़रूरत के तहत उसमें पेशाब घर बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है, थोड़ी जगह घेर कर अगर बना रहे हैं तो इससे कोई हर्ज नहीं होता और उनका सवाब कम नहीं होता, क्योंकि जो जगह उन्होंने दी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ कबूल हो चुकी। अब उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली आप करते हैं तो उनके सवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये वारिस जो उनके बाद बाकी रहे हैं, इन वारिसों को उस ज़मीन की मिल्कियत हासिल नहीं है, लिहाजा उनको एतराज़ करने का कोई मजाज नहीं है, उनको उसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन उनके वालिद की तरफ से दी जा चुकी, अल्लाह के यहाँ वो कबूल हो चुकी। अब ये जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, ट्रस्टी हैं, ये उनके कब्ज़े में है, देख रेख में है, वो भी इसके निगरा हैं, मालिक नहीं है वो भी, जैसे ये लोग मालिक नहीं है वो भी मालिक नहीं है। मस्जिद की ज़रूरत के लिए वो जो मुनासिब समझ रहे हैं वो उसमें कर सकते हैं, अगर ज़िद के तौर पर कर रहे हैं तो नाजायज़ कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है पेशाब घर की फिर भी उधर बना रहे हैं तो नाजायज़ कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पहले से पेशाब घर बना हुआ है और अब ज़्यादा की ज़रूरत हो रही है मस्जिद की तोसी के साथ, तो उसी पेशाब घर पर ऊपर जीना चढ़ाकर ऊपर एक और बना दें, ज़रूरी नहीं है उस जगह में आप पेशाब घर बनाएं और उन लोगों का दिल दुखाएं, तो मसले को बैठकर हल कर लेना चाहिए, तू मैं जायज़ ना जायज़, हराम हलाल और बिला वजह
फितने खड़े करके मस्जिद को दंगल में तब्दील नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों फरीक बात को समझकर बाहम रजामंदी से जिस चीज़ के बगैर चारा ना हो वो करें, और जिसके बगैर चारा है कोई दूसरी शक्ल निकल सकती है तो वही करें। बिला वजह आपस में तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।